नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो मैं इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि आजकल तो मैं बहुत बिजी हूँ, और दूसरी बात है कि अभी जो है यह एक नई समस्या शुरू हो गई है अग्निवीर की, अग्निवीर अग्निपथ, या इसमें जो हिंसा हो रही है। भाई सभी लोगों से अनुरोध है कि हिंसा ना करें। अभी हमारे एक परिवार के रिश्तेदार भी आ रहे थे यूपी से, और वो जो यात्रा 6-7 घंटे में पूरी हो सकती है वो यात्रा 2 दिन में पूरी हुई, क्योंकि ट्रेनों में बहुत दिक्कत हो रही है और लोग उनको रोक रहे हैं, लोग उनके साथ हिंसा कर रहे हैं। तो ऐसी कोशिश ना करें, सबसे मेरी प्रार्थना है, विनम्र प्रार्थना है। तो क्योंकि होता क्या है कि जो नाराज़गी किसी और से होती है और परेशान कोई और होता है, तो जो लोग ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं उनका तो कोई किसी चीज़ से मतलब है नहीं। वो तो अपने घर जा रहे हैं, कोई कहीं रिश्तेदारी में जा रहा है, कोई मिलने जा रहा है, कहीं कोई जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो उन लोगों को परेशान करने वाला कोई भी नवयोग जो है वो कभी सही नहीं हो सकता। चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी देश का हो, किसी भी राष्ट्र का हो, कोई कहीं का भी रहने वाला हो, किसी भी उम्र का हो, वो कभी अपने आप को सही प्रूफ नहीं कर सकता, क्योंकि निर्दोष आदमी को तंग करना किसी भी धर्म में ये अपराध है। किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में, किसी भी रिलीजियस में बहुत बड़ा अपराध है। तो इसलिए सभी लोगों से प्रार्थना है कि अगर कोई ऐसा हरकत कर रहा है तो गलत। अब रही बात इसमें अग्निवीर वाली समस्या, आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, तो इसमें पहले सही इसके तथ्य इकट्ठे कर लें लोग, तब उस पर बात करें, क्योंकि यह योजना कई देशों में चल रही है। और यह योजना एक है, एक ठेके वाली योजना। मैं बहुत दिन से कहता हूँ कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत कमज़ोर हो गई है, और इस अर्थव्यवस्था में अब उतना दम नहीं रहा है। तो इस अर्थव्यवस्था से अर्थव्यवस्था को अब और क्या किया जाएगा, यही किया जाएगा कि ऐसी योजनाएं आएंगी, यही सब प्लान होंगे, यही सब चीज़ें होंगी। तो ये इसमें देखिए, अमेरिका में की टक्कर हिंदुस्तान नहीं ले सकता। अमेरिका की अलग प्लानिंग है, हिंदुस्तान की अलग प्लानिंग, अलग सोच, अलग इन्वायरमेंट, अलग सिस्टम है। लेकिन अब चूंकि ऐसे ही चल रहा है, आजकल कोई प्लान है नहीं, किसी के पास कोई योजना है नहीं, कोई जो 70 साल से देश गलत था और अब 8 साल से देश बिल्कुल सही चल रहा है, तो अब आप देख लीजिए कैसे सही चल रहा है, क्या है योजनाएं, क्या है योजनाएं। और पेंशन की जो समस्या है, तो पेंशन तो भाई नेताओं की, अब लोग कहते हैं जो वैसे सरकार ने तो माना है कि अर्थव्यवस्था जो है वो बिल्कुल ठीक है, अर्थव्यवस्था में कोई कमी नहीं है, और आर्थिक रीजन कहें तो फिर रीज़न क्या है इसका ये बता दिया जाए, ताकि पता चले। अग्निवीर योजना क्या है ये बता दिया जाए पूरा, कितने अप टू 25% जो भर्ती होंगे, तो अप टू का मतलब होता है कि 25% तक, 1 से लेके 25% तक भर्ती होंगे, तो कितने होंगे, मिनिमम कितने होंगे, मैक्सिमम कितने होंगे, इन सब योजनाओं पर बात होते ही चाहिए ढंग से। लेकिन हाँ ये है कि भाई हिंसा ना करें। देखिए किसान लोग कितने परेशान थे हिंदुस्तान के, वो लोग कैसे अपना कानून भी वापस हुआ, कानून वापस हुआ, कितने मुश्किल उन्होंने झेली, बरसात झेली, सर्दी झेली, गर्मी झेली, कितनी कितनी दिक्कतें आई वहाँ पे, लेकिन कानून वापस हुआ। अगर गलत था तो वापस हुआ, सही होता तो वापस क्यों होता, सही चीज़ तो वापस नहीं होती, क्योंकि वेद है, वेद कभी वापस नहीं हुआ, वेद कभी बदला नहीं गया, भगवान ने वेद को बदला नहीं, कुरान है, कुरान को कभी बदला नहीं गया, गीता कोई बदला नहीं गया, बाइबल कोई बदला नहीं गया, ओल्ड टेस्टमेंट चाहे न्यू टेस्टमेंट बदला नहीं गया उनको, वो रही जिस रूप में वो थी वो आई, जो दूसरी थी वो दूसरी बनी। तो सही चीज़ें कभी बदली नहीं जाती, सही चीज़ बदलने की तो कोई जरूरत नहीं, वो तो सही है तो क्यों बदली देंगे, हाँ गलत चीज़ें बदली जाती हैं तो गलत, अगर ये इसको लेकिन तो अपनी योजनाओं को ठीक से देखें, किसान लोग जैसे अपनी योजना को पास कराया था उसी तरह से अपनी बात को करें, बेरोजगार युवक अपनी बात रखें, बातचीत से समस्या दूर होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था, जितनी लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है उसके अंदर ये होता है कि बातचीत करिए। और अमेरिका की टक्कर यहाँ पर नहीं हो सकती, अमेरिका में तो बाइडेन खड़ा होकर बोलता है कि $2,000 सबके जेब में दे दो, जितने बेरोजगार हैं, जितने लोग हैं सबको मिल जाते हैं। वहाँ तो महंगाई इसलिए बढ़ रही है कि वहाँ पर लोगों को पैसा ज़्यादा दे दिया, यहाँ महंगाई इसलिए बढ़ रही है कि यहाँ पर टैक्स ज़्यादा लगा दिया। तो हमारी समस्याएँ अलग है, समाधान अलग है, सोल्यूशन अलग है। और अभी LIC करते थे, शेयर मार्केट में मैं याद है 2008 में जब मैं बैठता था शेयर मार्केट में, तो लोग बोलते थे कि LIC आएगी, जैसे कहते हैं ना कि कोई संकट आएगा तो भगवान आएंगे, मेरे को याद है लोग मेरे से बोलते थे
कोई बात नहीं, अभी गिरेगा तो क्या हो गया, LIC आएगी, और LIC आती भी थी उठाती थी, बाजार फिर उठ जाता, फिर चलने लगता, और फिर सब कितनी मायूसी होती थी। लोग, मेरे को याद है कि चाय वहाँ पे देने वाला लड़का चाय दे जाता था, और ऐसी मायूसी होती थी कि लोग चाय नहीं पीते थे, टेंशन रहते थे। लेकिन फिर क्या होता था, वही बात, दो तीन LIC आती, सारे शेयर बाज़ार को उठाती, सब लोग खुश खुश अपना फिर बाज़ार चलता। इस तो अब उस LIC के शेयर बाज़ार कैसे पिटे हैं, उस LIC का क्या हाल हुआ, शेयर मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ऐसे अर्थव्यवस्थाओं उठपटांग अर्थव्यवस्था होती है तो उठपटांग उसके फैसले होते हैं, उठपटांग उसके नतीजे होते हैं, सब कुछ चीज़ें हैं समझने की। ये देखो, हमेशा ये समझो कि कोई भी एक चीज़ को सबसे पूछ करके बात करके योजना लागू करनी चाहिए, तब वो जाके सही होती है। तो इसलिए ये सब बातें बहुत ज़रूरी हैं भाई। बाकी ये चूँकि विद्वानों का चैनल है, ज़्यादा इसमें मैं बात करता नहीं हूँ, इसलिए इतना ही बहुत है। धन्यवाद।